नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां पर आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष और एस्ट्रोनॉट को जरूर देखा होगा और कैसे सौर मंडल में ये एस्ट्रोनॉट जाते हैं और अध्ययन भी करते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। पर क्या सब एस्ट्रोनॉट अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्या सभी स्पेसक्राफ्ट मिशन कामयाब होते हैं? और अगर नहीं तो क्या होता है जब स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट के साथ कोई हादसा हो जाए? तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में हो जाए तो उसके शव का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? पृथ्वी पर अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन स्पेस में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसकी मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और क्या अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार करना संभव है? तो आपको बता दें कि ऐसे ही सवालों का जवाब एक अंतरिक्ष यात्री ने खुद दिया है। दरअसल टेरी वर्ड्स ने अंतरिक्ष से जुड़े कई खुलासे किए। उनके अनुसार किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में मौत से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता। आपको एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। स्पेस की ठंड के कारण वो आइस ममी में बदल जाता है। तो वहीं इस बात का पता तब लगा जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान बने स्पेस सूट का टेस्ट किया गया। जानकारी तो ये भी है कि स्पेस में प्रेशर की वजह से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगी कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, यानी वहाँ हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में स्पेस में जब किसी शव को छोड़ दिया जाता है तो वो अनंत काल तक स्पेस में ही तैरता रहता है। एक्सपायर किया जाने के लिए शव को पहले जलाना पड़ेगा। ये काम बेहद ही रिस्की होता है। हालांकि इस बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी भी सूरत में शव को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई है। डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक स्पेस में केवल 3 एस्ट्रोनॉट की ही मौत हुई है, जिनमें एक स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा अंतरिक्ष ताबूत बनाने पर काम कर रही है, जो एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को बर्फ के क्रिस्टल में फ्रीज ड्राई टैबलेट में सेफ रखेगा। बताते चलें कि कैनेडाई एस्ट्रोनॉट क्रिस हैटफील्ड इस बारे में कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि अगर मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट की मौत हुई है तो उसकी डेड बॉडी को पृथ्वी पर लाने की बजाय वहीं दफनाने के बारे में सोचेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।